तो देखा कितनी खूबसूरत शाम हो रही है, और इस खूबसूरत शाम के साथ आज हमारे पास दो खूबसूरत सी बाइकें हैं। एक है अपनी BMW 310 GS एंड सेकंड है हमारे पास हिमालयन 450 जो कि न्यू लॉन्च है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो ये दोनों ही एडवेंचर बाइक्स हैं, तो आज इन्हीं दोनों बाइक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मुझे ज्यादा अच्छे से कोई रिव्यू आता नहीं है बनाना, मगर इन बाइक्स के बारे में जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम दोनों बाइक्स की कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं। उसका सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो है इनका प्राइस, बिकॉज BMW 310 GS ऑलमोस्ट आती है एक्स शोरूम 3,30,000 रुपए की, और वहीं पे हिमालयन 450 ये आती है करीबन 2,90,000 रुपए के आसपास एक्स शोरूम प्राइस। अलग अलग सिटीज में अलग अलग वेरी कर सकता है। और उसके बारे में डिटेल में बात करें तो ये BMW ब्रांड है जर्मनी का, जो की काफी फेमस है एडवेंचर कैटेगरी में, सबसे टॉप एंड ब्रांड्स में आता है। एंड रॉयल एनफील्ड ने अभी से हिमालयन इनकी बहुत फेमस बाइक थी, उसके बाद इन्होंने अपग्रेड करके इसको 411 के बाद 452 सीसी इंजन के साथ इसको दोबारा से लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बाइक है। तो अब बात कर लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं BMW की। तो BMW में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है विद DRL, और वहीं पे आपको रॉयल एनफील्ड के साथ भी LED हेडलाइट मिल जाती है विद DRL। हालांकि हिमालयन की जो LED है ना ये बहुत ज्यादा लाइट नहीं देती है रोड पर, ऐसा शिकायत आती है, क्योंकि मेरे पास सुपर मीटियोर 650 में भी सेम यही वाली लाइट है और ये बहुत ज्यादा लाइट देती नहीं है। हिमालयन में जहां आपको ये विंडशील्ड मिल जाती है, वहीं BMW के अंदर ना ऐसी कोई भी विंडशील्ड नहीं आती। ये मैंने अलग से लगवाई है, ऑलमोस्ट 2,500 रुपए खर्च होते हैं अगर आप एक नॉर्मल ब्रांड की लगवाते हैं। वहीं अगर आप GV वगैरह पर जाते हैं तो करीबन आपके 10,000 रुपए लग जाते हैं। एंड सेकंड थिंग बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में टायर की। तो इसमें फ्रंट में टायर मिलता है हमें लगभग 19 इंच का, और वहीं हिमालयन के अंदर हमें फ्रंट टायर मिलता है लगभग 21 इंच का। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा मेजर फर्क है ना दोनों बाइक्स में, वो है इनके टायर में जो अलॉय लगा हुआ है वो, और इसमें लगा हुआ स्पोक। और यही चीज ना इसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। उसका कारण ये है कि अगर ये कहीं पंचर हो जाती है तो आप इसे कहीं पे भी आसानी से पंचर लगा सकते हैं और आप निकल जाएंगे, मगर वहीं अगर इसमें पंचर हो गया तो आपकी वाट लग जाएगी बड़ू तबीयत वाली। अगर इसमें पंचर हुआ तो टायर खुलेगा, आपको पंचर वाले के पास जाना पड़ेगा, फिर वो पंचर बनाएगा क्योंकि इसके अंदर ट्यूब डलता है इस वजह से। हालांकि अभी कुछ लोग ऐसा इसमें निकाल रहे हैं ऑप्शन कि उसको ट्यूबलेस टायर लगाया जा सके, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, बट वो ज्यादा कामयाब है नहीं। एंड सेकंड थिंग बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन का जो ट्रेवल है वो है लगभग 180 mm का, और वहीं पे हिमालयन का है लगभग 200 mm का। तो ये काफी फर्क है इनके अंदर। अगर बात करें हम डिस्क साइज की, तो इसमें फ्रंट में डिस्क मिलता है हमें BMW के अंदर 300 mm का, और वहीं हिमालयन के अंदर हमें मिलता है 320 mm का। और अगर सस्पेंशन की कंपनी के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हमें वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो कंपनी है यानी कि शोवा, उसके सस्पेंशन प्रोवाइड कराती है। वहीं BMW के अंदर शोवा के सस्पेंशन नहीं आते, ये किस कंपनी के मुझे नहीं पता, मगर शोवा के नहीं है भाई। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में। तो हिमालयन का जो इंजन है वो है लगभग 452 सीसी का इंजन है, जो कि लगभग 40 Nm का टॉर्क पैदा करती है एंड 40 BHP ही प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर बात करें BMW 310 GS की, तो ये लगभग 34 BH का पावर प्रोवाइड करती है एंड 28 Nm का टॉर्क रिलीज करती है। अब देखा जाए तो बहुत बड़ा मेजर फर्क है, बिकॉज वो एक 452 सीसी की बाइक है और BMW 310 जो है एक 313 सीसी की बाइक है, जो कि काफी बड़ा मेजर फर्क है। मगर इंजन के साथ साथ इसका इंजन का जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है वो पड़ता है एवरेज पर। तो BMW जहां आपको 1 लीटर के अंदर ऑलमोस्ट 30-35 की एवरेज दे देती है, वहीं हिमालयन 452 सीसी के साथ होने के बावजूद भी आपको ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज प्रोवाइड कर देती है, जो कि सच में बहुत जबरदस्त वाली बात है। एक और जो मेजर फर्क है जिसकी वजह से राइडर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है हमारा पेट्रोल टैंक। बिकॉज हमारी बाइक चाहे कितनी भी अच्छी एवरेज दे, मगर अगर हमारे पास बड़ा पेट्रोल टैंक नहीं है तो उससे हमें ना जैसे लद्दाख हो गए, स्पीति हो गए, वैसी जगह पर हमें रिमोट एरिया में मोस्टली प्रॉब्लम हो जाती है। तो 310 GS के साथ एक ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इसका जो टैंक है वो केवल 11 लीटर का है, और वहीं पे 452 सीसी की हिमालयन जो है वो लेके चलती है अपने साथ 17 लीटर का एक बड़ा
का और यूज टैंक सच में बहुत है भाई, 17 लीटर मुझे तो सच में बहुत लगता है। ये सच बताऊं तो मैं आपको, अगर कहीं पे इस तरह से फंस जाते हैं तो वहां पे आपका पेट्रोल टैंक ही आपको बचा पाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें लीवर्स की। BMW 310 के साथ आपको एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं, वहीं पर आपको हिमालयन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि ये बिल्कुल प्लेन जैसे लीवर आते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे हैं। मुझे नहीं पता हिमालयन के नाम पर इन्होंने इतनी कंजूसी क्यों की है, बिकॉज सुपर मीटियोर 650 के साथ तो ये एडजस्टेबल लीवर देते हैं, बट इसमें हिमालयन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा मस्ट होता है किसी भी एडवेंचर बाइक के लिए, तो यही 310 GS के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ऑलमोस्ट 220 mm का, और वहीं पे हिमालयन के अंदर हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ऑलमोस्ट 230 mm का। और अगर सीट हाइट की बात करें तो BMW पे थोड़ा सा सीट हाइट ज्यादा है, इसलिए अगर कम हाइट जिन लोगों की उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इसका सीट हाइट जो है वो है लगभग 835 mm, और वहीं पे हिमालयन के अंदर जो सीट हाइट है वो है लगभग 825 mm। मगर एक मेजर डिफरेंस और है इसकी सीट में BMW से, वो ये है कि आप इसकी सीट हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 825 mm से लेकर आप 845 mm तक आप इसको सीट हाइट ले जा सकते हैं, जिससे कि जो लॉन्ग हाइट के बंदे हैं 6 फुट या 6 फुट से भी ज्यादा जिनकी हाइट है उन्हें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब एडवेंचर बाइक के साथ आप जब एक लॉन्ग राइड करते हैं ना, तो सीट में एक चीज तो और चाहिए होती है, वो होती है कुशनिंग एंड सीट की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है वो, बिकॉज जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी आप उतना कंफर्ट इसको चला सकेंगे, एंड कुशनिंग जो है जितना अच्छा होगा उतना आपको कंफर्ट महसूस होगा राइड के दौरान। तो BMW से ना हिमालयन की जो सीट का विड्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है जैसे आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 इंच ज्यादा है इसकी, और कुशनिंग भी ठीक है, बट BMW की कुशनिंग ज्यादा ठीक है और इसकी चौड़ाई काफी अच्छी है। तो भैया BMW का जहां पर टैंक साइज छोटा है, ऊपर से ये टोटल ही फाइबर है यहां पर, वहीं पर हिमालयन का टैंक भी बड़ा है और ये टोटल मेटल है, मतलब फाइबर का नामो निशान नहीं है। अगर बाइक गिरती है ना तो ये बहुत मजबूत रहने वाली है, मगर अगर वो गिर गई तो समझ लो सब कुछ बिखर जाएगा, अगर आपके ये लेग गार्ड नहीं हुए तो उसमें डेंट पड़ेगा, मगर इसमें आपको पार्ट ही नया डलवाना पड़ जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के, और हिमालयन के अंदर भी मोनोशॉक ही सस्पेंशन मिलता है आपको। अगर बात करें टायर साइज की, तो इसके अंदर पिछला टायर जो है वो करीबन 17 इंच का है, जो कि 150/70/17 ये इसका साइज है, तो वहीं पर हिमालयन का टायर साइज है रियर वाला 140/80/17। अब अगर रियर की बात कर रहे हैं तो रियर में एक हिमालयन के अंदर बड़ा ये नया कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि बताते हैं और भी बाइक्स में है, इसमें जो आपकी टेल लाइट जो है वो इंडिकेटर के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ इन्होंने। तो BMW के साथ एक सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये है कि इसके अंदर जो एग्जॉस्ट वाला पाइप आता है जिसे हम बैंड पाइप कहते हैं, ये टाइटेनियम का मिलता है। BMW के साथ ये पहले से ही है, बट इस बार रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी 452 के साथ कुछ नया करने के लिए ये वर्ल्ड क्लास पाइप इसमें लगा के दिया है अपने कस्टमर्स को, जो कि ये भी टाइटेनियम है। इसका फर्क जो है ना वो ये है कि ये पाइप देख रहे हैं आप जिस तरह से ब्लू हो जाता है ना, ये ब्लू तो हो जाता है ऐसे बहुत ज्यादा हीट होने पर, बट इसमें किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं आती, ये इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की बात। मैं तो यार बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, सच में मुझे ये बाइक लिए हुए आज करीबन 1.5 साल के आसपास हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि जब भी नया मॉडल आएगा तब BMW इसके अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल करके इसकी स्क्रीन को जो है TFT स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगी, बट BMW ये कर ही नहीं रही है। इवन अभी 2024 के अंदर भी ये डिजिटल मीटर ही आ रहा है, हालांकि इसमें इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट बहुत सारी मिल जाती है, ऑडोमीटर मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, गियर मिल जाते हैं, एवरेज मिल जाते हैं, ट्रिप मिल जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ मीटर है, बट ये अभी तक इनका डिजिटल ही मीटर आ रहा है। वहीं पर आपको हिमालयन के साथ मिलता है फुली TFT स्क्रीन, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी भरी हुई है, उसके साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है आपके मोबाइल से, आप इसमें GPS चला सकते हो, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ भरी हुई है। मतलब यार एक तरह से ना ये रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है TFT स्क्रीन इसमें लगाकर। और एक जो बहुत मेजर डिफरेंस है ना इन दोनों बाइक्स में, बहुत मेजर, वो ये है कि BMW के साथ आपको ना कोई भी सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसको चैन ल्यूब करना या अगर ये पंचर वंचर हो जाए ना तो इसको पंचर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। वहीं पे आपको हिमालयन के अंदर ना सेंटर स्टैंड जो है ये कंपनी से फिटेड ही आपको सेंटर स्टैंड मिल जाता है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है, बिकॉज
सेंटर स्टैंड लगाने के बाद ना आप अपनी चैन को ना अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो बड़े आराम से आप इसे ल्यूप कर सकते हैं, आपको कोई 2-4-5 लोगों की जरूरत नहीं है। मगर वहीं पे आपको BMW के साथ ना 3-3 लोग बुलाने पड़ते हैं, इवन आवाज मारनी पड़ती है, भैया जरा चैन ल्यूप करवा देना। तो ये इसके साथ एक मेजर फर्क है भाई। एंड सेकंड थिंग, जो इसका एग्जॉस्ट है ना, इसका एग्जॉस्ट साइज काफी बड़ा है, वहीं हिमालयन का जो एग्जॉस्ट है वो यार काफी छोटा सा लगता है मुझे, और बहुत ही स्लिम है। मतलब देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट इतना सा इनका है एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट का साइज बस यहाँ आके खत्म। हालांकि एग्जॉस्ट इसके साथ हिमालयन के साथ ना आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आ सकता लग रहा है, आजकल मैंने काफी वीडियो देखी है करीबन 20-22 हज़ार रुपए का, उसको लगाने के बाद इसका साउंड जो है ना वो खतरनाक हो जाता है, बहुत जबरदस्त। तो हम दोनों ही बाइकों पे करीबन 3-3, 3.5-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है कि अपना हिमालयन जो है पहली जो सर्विस होती है वो होती है 500 किलोमीटर पर, एंड सेकंड सर्विस जो होती है वो होती है इसकी 5000 किलोमीटर पे। वहीं पे BMW में क्या है कि फर्स्ट सर्विस होती है आपकी 500 किलोमीटर पर, एंड सेकंड सर्विस होती है फिर सीधा आपकी 10000 किलोमीटर या फिर एक साल में। तो हालांकि उसमें देखा जाए तो आपको सर्विस का पैसा कम लग सकता है कि उसमें 4,000 या 5,000 रुपए लगे हैं, इसमें जो फर्स्ट सर्विस है वो आपकी होगी करीबन 7,000 से 8,000 रुपए की, मगर वहां आपको 5,000 रुपए करवानी पड़ेगी और यहां आपको 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप इसे सर्विस करा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सर्विस का कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बट हाँ एक जो मेजर फर्क है ना दोनों ब्रांड में वो ये है कि जब आप BMW का कोई पार्ट लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको हर चीज एक्सपेंसिव मिलेगी, और वहीं रॉयल एनफील्ड के जो भी पार्ट्स हैं वो आपको काफी चीप मिल जाते हैं, यानी कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं, उसके ऑप्शन भी बहुत ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। एंड अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना वो बहुत मेजर है, और वो मेजर क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको कि देखो आप रॉयल एनफील्ड की बाइक लेके चल रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर जब आप BMW की बाइक लेके उतरते हो ना रोड पे भाई, तो BMW जो ये लोगो है ना, लोगो ये भाई, इसका लोगो इतना जबरदस्त अट्रैक्शन पॉइंट है ना, ये इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ कि क्या बोलूं यार। जब आप BMW की ये बाइक लेके मैं निकलता हूं, हालांकि 310 है, बहुत बड़ा इंजन नहीं है, मगर जब पैनियर वैनियर लग जाते हैं ना तो ये बहुत यूज दिखाई देती है, बहुत ज्यादा यूज, और कोई भी ये जज नहीं कर पाता कि ये 310 है या 1250। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं मात्र 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च करके 26 से 27 लाख के आनंद ले लेता हूं, जबकि ये चीज रॉयल इनफील्ड के साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रॉयल इनफील्ड को देख के ना कोई कहता कौन सी बाइक है, रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, तो एक बार देखेगा फिर हट जाएगा, मगर उसको लोग निहारते रहते हैं। इस बात के साथ अगर आप लोग एग्री हो तो प्लीज लाइक करके बताना कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वो जहां खड़ी होती है ना वहां लोगों की मुंडियां घूम जाती हैं। तो बड़े बूढ़ों ने जो कहावत बनाई है वो झूठ नहीं है कि खूबसूरती होती है ना जो थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो वही इसी बात पर लागू होती है BMW ब्रांड के साथ, बिकॉज BMW की बाइक्स देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत हैं मगर इनके साथ जो परेशानी है वो है इनके सर्विस सेंटर। अगर आपकी ये BMW कहीं खराब होती है ना तो भाई साहब इसे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, इंजन तो छोड़िए आप इसको ना किसी टायर भी खुलवाने जाएंगे ना तो जल्दी से लोग इसको टायर नहीं खोलते हैं। वहीं पे अगर रॉयल इनफील्ड की बात की जाए तो यार रॉयल इनफील्ड के जो सर्विस सेंटर्स है ना वो इतने हैं कि आप जितना सोच सकते हैं ना आपकी सोच से ज्यादा, मतलब इवन जो रॉयल इनफील्ड के बारे में ज्यादा जानता भी ना मैकेनिक ज्यादा नहीं जानता है वो भी इस बाइक को ठीक कर देगा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। तो रॉयल इनफील्ड के साथ एक ये आपको बढ़िया बात मिल जाती है कि इसका सर्विस सेंटर हर जगह है, आप इसे लेके कहीं भी निकल सकते हैं बिना डरे, मगर उसके साथ वाट लग जाएगी बड़ू वाट। तो खैर जितनी मुझे इसके बारे में नॉलेज थी उतनी मैंने बता दी है। अब जो इस बाइक के ओनर है मिस्टर अभिषेक, उनको बुला लेते हैं, वो थोड़ा से बारे में बताएंगे कि उन्होंने आखिर ये सब ऑप्शंस होते हुए इस वाली बाइक को क्यों चुना। तो बुला लेते हैं अभी अभिषेक को। आओ अभिषेक, कैसे हो अभिषेक? अनिल भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो अभिषेक ने ये 450 क्यों ली इसके बारे में अभिषेक से पूछते हैं। अभिषेक इस वाली बाइक को लेने का कारण क्या है जबकि इतने सारे ऑप्शंस थे तुम्हारे पास मार्केट में? मार्केट के अंदर अगर टूरिंग बाइक में मैं कंपेयर करूं तो हिमालयन का कह लो जो टोरा है बेसिकली वो भी बहुत चल रहा है, और हिमालयन 450 के आगे कोई और बाइक टिक नहीं रही है। इनफैक्ट अगर मैं BMW की बात करूं सेम प्राइस रेंज पे भी अगर देखा जाए तो पावर आपको हिमालयन जो है काफ़ी देने वाली है। तो मेन जो मेरा इस बाइक को लेने का पर्पज़ था वो तो भाई पावर, मैं 390 राइड करता हूँ, मेरे पास ड्यूक 390 भी है, और आपको पता है कि 390 में पावर कितनी है, तो पावर जो था वो मेरे लिए मेन पॉइंट रहा है। तो इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाई मुझे पावर काफी पसंद है तो मैंने इसको चूज किया। अच्छा अभिषेक, इसमें वाइब्रेशन कैसा लग रहा है तुम्हें हिमालयन में? जब मैंने परचेज करी थी तो उस टाइम पे कह लो 4,000-5,000 RPM के ऊपर आप लोग नहीं जाते हो, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, बट जब फर्स्ट सर्विस होगी मैंने 2 राइड्स करी इस बाइक के ऊपर 2,000 किलोमीटर की, मैं उज्जैन भी गया था अभी, देन उसके बाद मैंने अयोध्या की भी राइड करी है। तो जब मैंने लॉन्ग राइड करी उसके बाद मुझे इसकी जो मेन वाइब्रेशन है उसका मुझे पता लगा। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ ना वाइब्रेशन इसके अंदर है,
और वो कम मिलेगी आपको देखने को जब आप 100 110 क्रॉस कर जाओगे। बट अगर आप क्रूजिंग की स्पीड पर चल रहे हो 190 तब आपको इतनी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती है। चलो थैंक यू सो मच अभिषेक। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभिषेक को जितनी इन्फॉर्मेशन थी इस बाइक के बारे में अभी अभिषेक सारी तो आप ही ने बता दी। मुझे थोड़ा बहुत पता था यार, जितना पता था बता दिया मैंने। हालांकि ये अभिषेक को लिए हुए कितना दिन हुआ अभिषेक? ये मैंने 28 दिसंबर को ले ली थी, दिसंबर में, तो यानी कि ऑलमोस्ट दो महीने हो चुके हैं, है ना? तो ये आपने जहाँ से सुपर मीटियोर ली थी उस शोरूम की पहली हिमालयन थी। अच्छा, अरे वाह भाई, हमने वहाँ से पहली सुपर मीटियोर ली थी, इन्होंने वहाँ से पहली हिमालयन ली है। सो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय।